Hello, so let's talk about this new coin Pulsar and how to mine this coin. Okay, so uh, we found out that there's a new coin that you can mine with CPU. Um, It's a Pulsar coin. So if you go to mining pool stats and type here Pulsar, you will find the coin and uh, it's already 259 mega when I when the last time I checked it was 162 mega on our plant, but now it jumped up to 259 mega hash. So, what is this coin? Let's go to its website, also coin. So, they're saying that uh, iska initial launch of wada 31st ko wada 2022 okay or. ये जो बता रहा है लॉन्च एंड इंटीग्रेटेड द पल्सर एक्सचेंज ऑनलाइन वॉलेट एंड मोबाइल एप्लीकेशन तो ये बेसिकली बहुत ही न्यू कॉइन है इसका अभी भी, भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो फिफ्टी फिफ्टी चांस है इनका एक्सचेंज में लिस्टिंग होने का या आर की तरह फेमस होने का ठीक है तो कैसे माइंड किया जाए इस कॉइन को पहले तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या फिर वो मैक ओएस या पाल्सर लिनक्स वॉलेट जो भी हो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज से दिखा रहा हूँ और माइनिंग दिखाऊंगा आपको हाई वॉइस के थ्रू ठीक है बेसिकली जो भी माइनर्स है आजकल हाई वॉइस ज़्यादा यूज़ करते हैं विंडोज़ कम ही लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते तो सीपीयू और सीपीयू माइन के लिए आपको ज़्यादा मेगा हैश की ज़रूरत है वन मेगा हैश टू मेगा हैश हो तो बहुत ही बढ़िया होता है ठीक है वन uh, सी से ज़्यादा माइज नहीं किया जा, जाता मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ ठीक है तो फिर विंडोज़ uh, uh, के लिए आपको पल्सर विंडोज़ वाले डाउनलोड करना पड़ेगा मैंने मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है आपको सेटअप करने के बाद ऐसा कुछ वॉलेट आपको दिखेगा ठीक है आ, उसके बाद आपको आपका जो वॉलेट क्रिएट किया है उसका पास वॉलेट एड्रेस जो है वो चाहिए आप रिसीव ऑप्शन पे क्लिक कीजिए फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस आ चुका है एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना है ठीक है अभी क्या करना है आप कोई भी इनमें से कोई भी पूल में माइंड कर सकते तो मैं आर प्लांट पे आर प्लांट यूज़ कर रहा हूँ ठीक है तो आर प्लांट पे पूल पे जाना है आपको यहाँ से उनके डैशबोर्ड से आपको पल्सर कॉइन सिलेक्ट करना है करने के बाद यहाँ पे आप वो लोग दिखा देंगे आपको जो भी है उनका पासवर्ड वग़ैरह ठीक है और आपको अभी सिलेक्ट करना है माइनर सीपी माइनर आर प्लेंट ठीक है ऑपरेशनल सिस्टम लिनक्स है तो लिनक्स विंडोज हो तो विंडोज़ ठीक तो है मैं लिनक्स में सिलेक्ट करूँगा अभी जो ये है मैं एशिया पैसिफिक में जो हूँ यह ये इस लोकेशन पर इसलिए इसको सिलेक्ट किया और ये वाला जो है इसको भी आप कॉपी करके अपने नोटपैड में नोट डाउन कर लीजिए ठीक है अब उसके बाद आपको जाना है अपना हाईवेज पे फ्लाइट शीट क्रिएट करना है आपको ठीक है तो फ्लाइट शीट में पहला जो है आपको अपना कॉइन क्रिएट करना है ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वॉलेट्स पे जाके आपको ऐड वॉलेट करके यहाँ पे कॉइन जो है एक नाम दे दीजिए मैंने मैंने पहले से ही क्रिएट किया हुआ है पल्सर ओके okay. दे दीजिए आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कीजिए नेम कोई भी नेम दे दीजिए आपका पसंदीदा ठीक है उसके बाद क्रिएट कर दीजिए अपना वॉलेट जो है क्रिएट हो जाएगा ये मेरा क्रिएट किया कर रखा है उसके बाद आपको फिर से राइट शीट में आके वो पल्सर का जो है वो सिलेक्ट कर लेना है अब वॉलेट में जो पल्सर का वॉलेट जो क्रिएट किया था वो भी सिलेक्ट कर लेना है पूल कन्फिगर इन माइनर अब यहाँ पे जाके आपको एस आर बी माइनर जो है वो वाला सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको सेटअप माइनर कन्फिग में जाना है हैश एल्गोरिथम याद ये कर्व हैश के ऊपर है तो हैश सिलेक्ट होना चाहिए ठीक है वॉलेट में जाके आप ये वॉलेट परसेंट वॉलेट परसेंट क्लिक करना है वर्कर नेम जो है वही आपका फाइव बोइ का जो वर्कर नेम है वही अगर अगर कस्टम देना है तो दे दीजिएगा या फिर मैं तो वही नेम से चला रहा हूँ अभी फुल सर्वर जो है यहाँ पे हमने दिखाया था आ गया हाँ यहाँ पे ये यह वाला जो है स्टार्टम प्लस टी सी पी स्टार्टम एशिया आरप्लेंट एक्स वाई जेड वन सेवन ज़ीरो थ्री जीरो इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है अब पासवर्ड में आप एक भी दे सकते हो या फिर आपका जो है यहाँ पे पासवर्ड सेट भी किया जा सकता है पासवर्ड अगर सेट किया हुआ हो तो ये कर, ये, ये वाला ऑप्शन आपको देना पड़ेगा वेब पासवर्ड इक्वल्स आपका जो भी पासवर्ड है वेब पासवर्ड इक्वल्स जो भी पासवर्ड देना है वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है कर कर देना है ओके और यहाँ पे भी पासवर्ड लिख के सेट कर देना है ठीक है अब आ, क्यों पासवर्ड सेट करना चाहिए मिनिमम पे आउट जो है उसका वन बाय डिफॉल्ट है तो उसको आ, आप इधर उधर कर सकते हैं इसलिए आपको जो माइनर का जो पासवर्ड है वो सेट करना पड़ेगा ठीक है तो फिर अभी ऐसे अप्लाई चेंजेस कर करना है और आपको फ्लाइट आपका फार्मर जाके यहाँ से फ्लाइट सीट को सेट कर देना है देखिए मेरा पहले से ही सेट हुआ सेट किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है ट्वेंटी ट्वेंटी आवर सिक्सटीन मिनट से आप है कोई भी क्रैश वग़ैरह कुछ भी नहीं हुआ तो स्टेबल स्टेबल ही है और आपको दिखा देता हूँ मैं क्या मैं इसमें जो रिवार्ड आ चुका है ये देखिए मैं अभी तक का ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन टू थ्री टू पालसर कॉइन माइन हो चुका है ठीक है तो इसमें एक फैसिलिटी और है इसमें ऑटो स्टेकिंग का ऑप्शन है मतलब आप जो है इस कॉइन को अगर माइन करके होल्ड करके रखें ठीक है तो तो उसमें से ऑटोमेटिक स्टेकिंग होता है उससे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको इस सेटिंग्स पे जाके इनक्रिप्ट वॉलेट करना पड़ेगा इनक्रिप्ट वॉलेट करते वक्त आपको पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा फिर आप जब आपको रिस्टार्ट करेंगे वो ऐप आप आपको फिर से अनलॉक वॉलेट करना पड़ेगा ठीक है मैं दिखा देता हूँ मैं ये क्लोज कर देता हूँ अभी जब रिस्टार्ट करता हूँ देखिए और टाइम लगता है ओपन होने में अभी देखिए ये टेकिंग सस्पेंडेड ड्यू टू लॉक वॉलेट तो आपको क्या करना है सेटिंग्स पे जाके अनलॉक वॉलेट करना है ठीक okay. है मैं यहाँ पे अपना वॉलेट अनलॉक कर देता हूँ देखिए अभी टेकिंग चालू हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपका नेटवर्क का कनेक्शन जो है कुछ ही देर में आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली ऐसे ही माइंड करते हैं तो इसमें से जो मैं बोल रहा था दोनों तरह दोनों तरीके से माइन होगा ठीक है एक तो आपका जो है एक तो एक तो आपका कॉइन सीपीयू के थ्रू माइन होगा और दूसरा जो है आपका कॉइन होल्डिंग करके ओपन ऐप ओपन कर रख के तो भी माइन होगा ठीक है ओके फिर तो फिर आज के लिए इतना ही चलिए बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में